सकते हो कन्वर्जन गोल, वो कैसे क्रिएट कर सकते हो। एक तो होता है कि जब आप ऐड बना रहे हो तभी क्रिएट कर सकते हो, एक अपने कन्वर्जन को पहले से क्रिएट करके रख सकते हो, देन जब आप ऐड बनाओ तो वहाँ पे बस आपको सिलेक्ट करना हो। तो वो कैसे कर सकते हो, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको टूल्स एंड सेटिंग में जाना है, देन यहाँ पे आपको मेजरमेंट में आना है। ओके, मेजरमेंट में आने के बाद आपको कन्वर्जन्स में आना है। ओके, कन्वर्जन्स पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आप अपने एड्स के लिए कन्वर्जन सिलेक्ट कर सकते हो, आपका कोई सा भी ऐड हो एंड जो भी आप कन्वर्जन चाहते हो यहाँ पे आप बना सकते हो उसके अगर रिगार्डिंग। ओके, तो यहाँ पे ये खुलने में थोड़ा टाइम ले रहा है। ओके, तो यहाँ पे ये ओपन हो चुका है कन्वर्जन का, कि कन्वर्जन आप कैसे क्रिएट कर सकते हो। देख यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मेरा जो है दो कन्वर्जन है, ठीक है, मैंने यहाँ पे दो कन्वर्जन बना रखा है, एक लीड फॉर्म सबमिट के लिए बना रखा है और एक यहाँ पे मैंने बना रखा है यूट्यूब चैनल सब्सक्रिप्शन के लिए। ओके, देन आपको देखना क्या होता है कि कन्वर्जन में फर्स्ट आपको देखना होता है जो एक्शन ऑप्टिमाइजेशंस है, ठीक है, ये आपका हमेशा जो है प्राइमरी रहना चाहिए, जो भी आप रख सकते हो अपने गूगल होस्टेड कर रहा है। देन यहाँ पे स्टेटस जो है एक्टिव होना चाहिए, जब मैं यहाँ पे ऐड करूँगा देन यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जो स्टेटस होगा वो एक्टिव होगा। जैसे यहाँ पे नो रिसेंट कन्वर्जन है तो इससे मुझे कोई इशू नहीं है, बिकॉज़ यहाँ पे मैंने चलाया नहीं है इसलिए यहाँ पे कोई कन्वर्जन नहीं है। तो यहाँ पे हम एक न्यू कन्वर्जन क्रिएट करते हैं, कि न्यू कन्वर्जन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ओके, देन यहाँ पे मैं कुछ सेटिंग्स है, जैसे कुछ ऑप्शंस है वो भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ, देन मैं सेटिंग पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो सेटिंग में देखते हैं क्या क्या ऑन सेटिंग में इन्फॉर्मेशन है। देन यहाँ पे देख सकते हो सेटिंग में ये सारी चीज़ें हैं, देन अपलोड्स है, अपलोड्स के थ्रू भी आप कन्वर्जन से यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। लाइक मान लेते हैं आपके पास कोई डाटा है, ओके, जैसे यहाँ पे मैं गया, देन यहाँ पे देख सकते हो आपके पास जो भी डाटा हो, चाहे गूगल सीट्स में हो, HTTPS में हो, SFTP में हो। ओके, तो ये तो बात की बात है कि आप इस अकॉर्डिंग भी कन्वर्जन बना सकते हो, बट अभी हम जो बात कर रहे हैं वो कन्वर्जन की बात कर रहे हैं। ओके, तो हम यहाँ पे कन्वर्जन बनाते हैं, तो यहाँ पे आपको न्यू कन्वर्जन एक्शन पे क्लिक करना है। ओके, देन यहाँ पे आप कन्वर्जन बना सकते हो। लाइक यहाँ पे जो कन्वर्जन है ये है, पहला वेबसाइट कन्वर्जन है, ऐप कन्वर्जन है, फोन कॉल्स एंड इम्पोर्ट, तो इम्पोर्ट भी कर सकते हो आप, ठीक है, अगर आपके पास सीट है, डाटा है तो यहाँ से भी कर सकते हो, जैसे गूगल एनालिटिक्स, सेल्स फोर्स, ऑफलाइन लीड कन्वर्जन, फोन सेल्स, तो जो भी आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे जो मैं कन्वर्जन बनाना बता तो मैं यहाँ पे जो कन्वर्जन बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ वेबसाइट के लिए कन्वर्जन हम कैसे बना सकते हैं। वैसे ही आपको सबके लिए बनाना है, बट यहाँ पे अभी हम जो है वेबसाइट के लिए बना रहे हैं। देन इस पर क्लिक करना है आपको। ओके, देन क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने क्लिक कर लिया, देन यहाँ पे आपके सामने सेकेंड इंटरफेस आ जाएगा इस तरीके कि जो आपका डोमेन है वो डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे डोमेन डाल देता हूँ, vorajvi.co.in। ओके, देन ये मैंने डाल दिया है, देन ये स्कैन करेगा कि जो आप वेबसाइट डाल रहे हो वो सही है कि नहीं। देन मैंने यहाँ पे डाल दिया तो इसने मान लिया कि हाँ ये वेबसाइट सही है, तो क्रिएट कन्वर्जन एक्शन ऑटोमेटिक फ्रॉम वेबसाइट इवेंट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कन्वर्जन मुझे क्या चाहिए, कन्वर्जन रखना क्या है। अब मैं जो यहाँ पे कन्वर्जन चाहता हूँ, वेबसाइट ट्रैफिक है, तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि वो लीड फॉर्म पे हो या कांटेक्ट हो या सब्सक्राइब करें, तो सब्सक्राइब को रख सकते हैं, बट सब्सक्राइब नहीं, यहाँ पे हम परचेस रखते हैं। ओके, मान लेते हैं कि ये ई कॉमर्स वेबसाइट है, देन परचेस एंड यूआरएल इज एंटर, तो यहाँ पे हम अपना यूआरएल डाल देते हैं, लाइक https सेमीकोलन टिल स्लैश डॉट गो राजवीर डॉट को डॉट इन। ओके, यहाँ पे हमने ये डाल दिया है, तो यहाँ पे देख सकते हो कन्वर्जन एक्शन कैन ओनली बी क्रिएटेड फ्रॉम द डोमेन एंटर अबव। सो तो यहाँ पे हमें
ओनली डोमेन डालना है, ऐड करते हैं आप, या बिल्कुल ऐड हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे परचेस है, पेज लोड हो रहा है, देन ये सारी चीज़ें। तो इस अकॉर्डिंग से यहाँ पे हम कन्वर्जन बनाते हैं। यहाँ पे मैंने अपनी वेबसाइट डाली है, आप अपनी वेबसाइट डाल सकते हो। ऐड इवेंट पे आप क्लिक कर सकते हो कि ऐड इवेंट में आप जाके और भी चीज़ें बना सकते हो कि आपके वेबसाइट पर और क्या कन्वर्जन हो सकता है। तो वो मल्टीपल कन्वर्जन आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे सिर्फ अभी सिंगल कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। देन यहाँ पे आ रहा है क्रिएट कन्वर्जन एक्शन मैनुअली यूजिंग कोड। तो आप कोड के अकॉर्डिंग भी कन्वर्जन क्रिएट कर सकते हो। लाइक चाहते हो कि आपका जो कन्वर्जन है वो उसका जो कोड आप चाहते हो, और वो कोड अपने वेबसाइट पे लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पे ऐड कन्वर्जन पे हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो गोल एंड एक्शन ऑप्टिमाइजेशन है। देन यहाँ पे आप परचेस पे जाओगे, ओके। देन यहाँ पे आपको कन्वर्जन नेम डालना होगा कि कन्वर्जन नेम क्या है। तो लाइक यहाँ पे हम डाल देते हैं परचेस, ओके। तो मैं यहाँ पे कोड का भी बता रहा हूँ कि कोड का आपको कैसे करना है। जैसे वैल्यू, यूज़ द सेम वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन, यूज़ डिफरेंट वैल्यूज़ फॉर ईच कन्वर्जन। तो यहाँ पे हाँ ये हम रखेंगे। देन इंडियन रुपीज़ में हम इसे मान लेते हैं 10 रुपीज़ रखते हैं हम अपने कन्वर्जन की वैल्यू की, जो भी परचेस करेगा उसे, तो हम इसे 10 रुपीज़ रख देते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे आप डोंट यूज़ वैल्यू फॉर द कन्वर्जन एक्शन भी कर सकते हो, ओके, अपने अकॉर्डिंग। देन काउंट यहाँ पे हम एवरी या वन, तो यहाँ पे जो भी एक कर क्लिक करेगा तो वो एक ही कन्वर्जन हम मानेंगे उसे, ओके। देन यहाँ पे हम नीचे आएंगे, देन यहाँ पे देखो ये पूछ रहा है कि क्लिक थ्रू कन्वर्जन विंडो 30 डेज़ का हम रखेंगे, एंगेज व्यू कन्वर्जन विंडो 3 डेज़ का। आप अपने अकॉर्डिंग कर भी सकते हो, बट मैं इसे वैसे ही रहने देता हूँ, मैं इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं करना चाहता। व्यू थ्रू कन्वर्जन विंडो 1 डे के लिए, एट्रीब्यूशन मॉडल जो हो डाटा ड्राइव रिकमेंड कर रहा है, तो मैं इसी पर रहने दूंगा, ठीक है। देन इनहेंस कन्वर्जन, तो ये हम थोड़ा सा देख सकते हैं कि इनहेंस, तो ये अभी नहीं हो रहा, देन इसे भी हम ऐसे ही रहने देते हैं। देन यहाँ पे हम डन कर देते हैं, ओके। तो ये एक हमारा कन्वर्जन क्रिएट हो चुका है, परचेस का कन्वर्जन, ओके। देन हम इससे करेंगे सेव एंड कंटिन्यू। अब देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ही मैंने सेव एंड कंटिन्यू किया, ये कन्वर्जन मेरा हो चुका है, बन चुका है कन्वर्जन, ओके। अब ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कन्वर्जन बन चुका है मेरा, ओके, परचेस के नाम से। देन हम इसे डन कर सकते हैं, बट उससे पहले क्या करना होगा, हमें यहाँ पे सेटअप करना पड़ेगा कि गूगल टैग जो है वो सेटअप करना पड़ेगा हमें अपने वेबसाइट पे, ताकि हमारे वेबसाइट पे ये कोड इम्प्लीमेंट हो और हमारे कन्वर्जन ड्राइव हो सके, एंड गूगल को पता चल सके कि हाँ कस्टमर ने परचेस किया है या नहीं। तो इसके लिए गूगल टैग भी लगाना ज़रूरी है। तो गूगल टैग के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप उसे भी जा सकते देख सकते हो कि गूगल टैग मैनेजर आपको कैसे इंस्टॉल करना है अपने वेबसाइट में, ओके। तो यहाँ पे हम डन कर देते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे डन करता हूँ, वो आप देख सकते हो कन्वर्जन मेरा आ जाएगा, ओके। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जैसे ही डन किया, आप देख सकते हो परचेस परचेस ये, तो यहाँ पे मेरा, मैंने दो कन्वर्जन बनाया था, तो यहाँ पे दो शो हो रहे हैं और दोनों प्राइमरी में हैं, बट स्टेटस इनएक्टिव है। तो इनएक्टिव क्यों है ये मैंने आपको बता दिया है कि क्योंकि अभी मेरा गूगल टैग मैनेजर मेरे वेबसाइट से कनेक्ट नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे आ रहा है। बट आपको ऐसा नहीं करना है, आप जब भी कन्वर्जन बनाएं तो पहले अपने वेबसाइट पे गूगल टैग मैनेजर ऐड कर लो, और नहीं पता तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हो, मैंने बता रखा है उस वीडियो में कि आप कैसे गूगल टैग मैनेजर अपनी वेबसाइट पे इंस्टॉल कर सकते हो। एंड कोई भी इशू है तो प्लीज़ कमेंट में, एंड अगर किसी को भी डिजिटल मार्केटिंग को सीखना है तो वो मुझे कमेंट कर सकता है या फिर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, देन यहाँ से सर्टिफिकेट गेन कर सकते हैं। एंड किसी का ऑर्गेनाइजेशन है तो वो सर्विस चाहता हो तो वो भी करवा सकते हैं, ओके। देन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो यहाँ पे आई थिंक सो आपको समझ में आ चुका होगा कि आप कन्वर्जन कैसे बना सकते हो अपने लिए। तो आई थिंक अगर कोई भी इशू है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें।